नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कोरोना काल चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आने वाले समय में अब यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी भी इन दिनों दिल्ली पहुंचे हुए हैं। लगातार जो देख सकते हैं कि यूपी चुनाव की उनकी भी तैयारी है और क्या रणनीति रहेगी, चूँकि आज दिल्ली में स्थित बिहार निवास में देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो है उनके पार्टी के लोगों के यहाँ पर थोड़ी ही देर में बैठक होने वाली है। और ये लोग खासकर यूपी के अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग संगठन से आए हैं, और इन सभी का दावा है कि ये लोग सभी लोग वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी को आने वाले यूपी चुनाव में सपोर्ट करेंगे और ये विकासशील इंसान पार्टी जो है एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई सर आपका? कृष्ण गोपाल सिंह कश्यप। अच्छा, कहाँ से आप? जनपद एटा उत्तर प्रदेश से। तो किस किस मकसद से आज आप लोग बैठक है, क्या रणनीति तय होने वाली है? यूपी की राजनीति पे बात होगी। माननीय मंत्री जी ने याद किया है, अब उनको सुनते हैं कि वो क्या कहेंगे। मतलब बेसिकली ये चुनाव को ही लेके यूपी के चुनाव को, उत्तर प्रदेश चुनाव फुल तैयारी है हम लोगों की। और अब माननीय मंत्री जी आए हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या रणनीति रहेगी आप लोग की आगे की। देखिए, यूपी की जो राजनीति है उनके मुद्दे कुछ अदर स्टेट से अलग हैं। वह विकास के साथ साथ जातिगत समीकरणों को भी साधा जाता है। इस मामले में जो यहाँ लोग उपस्थित है वो सक्रिय राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे सर्वजन समता पार्टी से हमें, मानव हित पार्टी से हमारे बड़े भाई बैठे हैं। तो सब लोग माननीय मंत्री जी से आज मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ रणनीतिक चर्चा होगी, और जो चर्चा होगी उसका परिणाम सबको दिखाई भी देगा आने वाले समय में। तो आने वाले समय में एक सवाल रहता है कि एनडीए के साथ है चूँकि बिहार में, तो आने वाले समय में क्या यूपी का जो चुनाव होगा वहाँ भी एनडीए के साथ ही लड़ेंगे? अब ये जानकारी तो माननीय मंत्री से बात करके ही मालूम पड़ेगा। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार लोग पहुँच रहे हैं, सभी लोग यूपी के अलग अलग जिलों से, अलग अलग सामाजिक संगठन, अलग अलग जातीय संगठन वहाँ से आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे प्रदीप जी हैं जो कि पार्टी के विकासशील इंसान पार्टी के युवा मोर्चा के हैं। सर, क्या बातचीत होनी है मीटिंग को लेकर आपको? देखिए, यूपी से सारे लोग बिहार गए, माननीय मंत्री जी को निमंत्रण दिए कि आप यूपी में आए, यूपी के कार्यभार को संभालें, यहाँ के नेता को सब इकट्ठा करके एक मंच हो जिससे हमारा समाज भी आगे बढ़े। 2% रामविलास पासवान जी सत्ता पलट सकते हैं, हम लोग 14-15% सत्ता नहीं पलट पा रहे हैं। उसका कारण था कि हम लोग बिखरे हुए थे, तो आज माननीय मंत्री जी एक करने की कोशिश में और लगभग यूपी के सारे नेता साथ हैं, सर के साथ हैं और पूरा मदद कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं समाज आगे बढ़े। तो इसका यूपी विधानसभा पे कुछ असर दिख सकता है इसका? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, आप देख लीजिए। जब सारे नेता एक हो जाएंगे निषाद समाज के, तो फिर किसी का चलेगा? 14% एक हो जाएगा तो चलने देगा किसी का? बिहार में आप लोग एनडीए के साथ है, अभी मंत्री जी आए नहीं है, लेकिन एक सवाल रहता है कि क्या बिहार के बाहर भी एनडीए के साथ ही आप लोग रहेंगे? देखिए, ये बात कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं है, हम लोग उनके किसी के गुलाम नहीं है, सॉरी आराम से बोलना चाहूँगा, हम लोग गठबंधन में है, मित्रता है, कल चाहेंगे कल गठबंधन टूट जाएगा। मतलब हमारा अगर हमारे मांग को नहीं पूरा करेंगे तो हम लोग तोड़ेंगे, तो जरूरत पड़ी तो अलग हो भी। बिल्कुल, हम लोग का ताकत बढ़ना चाहिए और हम लोग आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग का मेन मुद्दा है निषाद समाज को आरक्षण मिले, इसको लेकर के यूपी में मजबूत रहेंगे तो हम इनसे मांग सकते हैं। यूपी में भी पूरे मजबूती के साथ आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे और आरक्षण लेंगे, यही हम लोग का मेन मुद्दा है और पार्टी का मुद्दा है। हम लोग तो कहते हैं जितनी पार्टियां सब हम लोग विलय कर देंगे बीजेपी में, अभी सरकार है हम लोग को दे दे, अच्छा पूरी पार्टी विलय कर देंगे हम लोग, जितनी उत्तर प्रदेश को चाहे बिहार कहीं पर। मुकेश जी बोले हम अपनी पार्टी विलय करते हैं, हमको आरक्षण दे दीजिए, हमको कुछ मत बनाइए, अपने घर का लैट्रिन साफ कराइए करेंगे, लेकिन आरक्षण ही शासन दे दीजिए, ऐसा हो मतलब हमेशा बोलते हैं। ये बहुत लोग आए हुए हैं यूपी के अलग अलग राजनीतिक सामाजिक संगठन से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मंत्री जी के साथ मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद जो आगामी यूपी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर खाका तैयार किया जाएगा, उसके बाद क्या कुछ मीटिंग से निकल कर आता है न्यूज फाउंडेशन आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, उस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।